गर्भ में भ्रूण की लिंग जांच करने वाला एक बड़ा गिरोह आज अम्बाला स्वास्थ्य के हत्थे चढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पकड़े गए गिरोह में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जो 50,000 रूपए लेकर गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करवाते थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पकड़े गए गिरोह के सदस्यों को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, हमारे को सिविल सर्जन सर के माध्यम से सूचना मिली कि कुरुक्षेत्रा की टीम के पास सूचना थी कि हमारे अम्बाला जिले में भ्रूण लिंग जांच की जा रही है और 50,000 रुपये मांगे गए थे लिंग जांच कराने के लिए। तो कुरुक्षेत्रा की टीम हमें सूचना मिली कि 1:30 बजे के आसपास कुरुक्षेत्रा की टीम अम्बाला आई है और वो यहाँ पे किसी सेंटर के पास है और अल्ट्रासाउंड जारी है। तो सूचना मिलते ही सिविल सर्जन सर ने एक टीम गठित की, जो कि डा है, डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उनके माध्यम से एक टीम गठित की गई और हमने जाके कुरुक्षेत्रा की टीम को ज्वाइन किया और वहाँ पे हमें इस पूरे जो लिंग जांच हुई है उसमें 4 लोग एक्यूज पकड़े गए हैं। सर, मेल फीमेल कितने लोग हैं इसमें और किस तरह से एक काम करते थे? ये देखिए, आज बहुत ही बड़ा एक नेक्सस मिला है हमारे को कि एक 2 लोग हैं जो मटेरी शेखा के रहने वाले हैं और उसमें से एक लेडी है, और जो 4 लोग हैं, 3 जो मेल हैं, वो तीनों लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं। कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर में काम करता है, कोई लैब में काम करता है, किसी की लैब है और एक डॉक्टर के पास काम करके बाहर अपनी एक प्रैक्टिस कर रहा है। सर, किसी कोई ऐसा भी है जो सरकारी किसी अस्पताल में है? नहीं, सरकारी नहीं, 4 प्राइवेट ही काम कर रहे हैं और इन्होंने आज अल्ट्रासाउंड कराया और जो हमारा डिकॉय मरीज था उसने ये कहा है कि उसको जो एक लेडी है उसने कहा है कि खुशखबरी की बात है, आपके भ्रूण में लड़का है। सर, कहाँ कितने में इनकी डील हुई थी कुछ ऐसे? ये 50,000 रुपये में इनकी डील हुई थी और अकाउंट में इन्होंने पैसे डलवाए थे और सब ने ये कन्फेस कर लिया है कि 50,000 रुपये में से किसने कितना कितना हिस्सा लिया है। पुलिस को हैंडओवर किया सर इन्होंने? अभी इनको हमने यहाँ पुलिस को हैंडओवर किया है और अम्बाला पुलिस, हमारे सिविल सर्जन सर, एनडीसी मैम, तीनों के सहयोग से 4 लोग पकड़े गए।